हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू योर ओन चैनल, आपका प्यारा सा चैनल मैथ मास्टर है ना, जिसको आपने इतना प्यारा बना दिया है कि हर क्वेश्चंस डिमांडेबल है. ओके, प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस सो मेनी टाइम्स सो दैट यू शुड बी मास्टर. ओके, एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं. हमारी जो बोर्ड स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रही थी. ओके, अब बोर्ड की डेट शीट भी ऑलरेडी पब्लिश हो गई है, तो बच्चों बहुत मेहनत करनी है, बहुत करनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये करते हैं. देखो, जिस इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे. ए sec थीटा प्लस बी tan थीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, और बी sec थीटा प्लस क्यू tan थीटा प्लस आर इक्वल टू जीरो. जब हमें प्रूफ करने को बोला गया हो, प्रूफ दैट बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर. तो हम इस दोनों इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे और sec थीटा tan थीटा की वैल्यू को इक्वेट करेंगे. राइट, तो करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. सॉल्विंग लिख देते हैं, सॉल्विंग दीज इक्वेशन विथ द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. ओके, थोड़ा सा राइटिंग हो गई है तो भावनाओं को तो आप समझ ही जाते हैं ना, भावनाओं को समझिए. क्वेश्चन करते हैं. तो sec थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में देखो, यहां समझना बहुत जरूरी नहीं है कि आपको फार्मूला याद, कॉन्सेप्ट को समझिए. sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यू विल कवर दिस एंड कोफिशियंट ऑफ tan थीटा एंड इसको मल्टीप्लाई कर दें, कर लें तो b into r, राइट. अब क्या होगा, देखो b into r माइनस c into q. ओके, नेक्स्ट इक्वल टू किसके होगा, tan थीटा का निकालना है जब हमें, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कवर दिस पोर्शन. यहां से आगे चल रहे थे हम राइट हैंड साइड को, तो c into p माइनस r into a r, राइट, हो गया यार. इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म की कोफिशियंट 1 है, 1 अपॉन जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर से a q माइनस p b, राइट. ये हो गया हमारे पास, ये एक इक्वेशन आ गई. अब क्या करेंगे, ईच पार्ट को इक्वेट कर देंगे, राइट. इक्वेटिंग इंडिविजुअल sec थीटा इज इक्वल टू दिस, then tan theta is equal to this, we will make two equation. Okay, how many equation? Two equation. कर दें, तो first case में क्या हो जाएगा, first में sec theta, okay, sec theta upon br minus q cq is equal to 1 upon aq minus pb या bp. Okay, then you will multiply this, तो क्या हो जाएगा, ये we will get sec theta इज इक्वल टू ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी आर माइनस सी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी. ये आ गया हमारे पास, ये sec थीटा की वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं. ओके, सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस देखें, दिस इक्वल टू दिस, राइट. तो क्या करते हैं, tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जो मैंने प्रोसेस बताया उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा घर में. ओके, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू सी पी माइनस ए आर इज इक्वल टू अगेन 1 अपॉन ए क्यू माइनस बी पी इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो सी पी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस बी. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड देन सब्ट्रैक्टिंग. ओके, देन सब्ट्रैक्टिंग व्हाट वी विल गेट, देखें करें. तो ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ इसको. ओके, इरेज इट. और जैसे कि मैंने बोला, जो फार्मूले इसमें यूज हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, वो राइट हैंड साइड में लिखने हैं.
गो थ्रू में अर्लियर वीडियोस जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, प्रैक्टिस कीजिए उनको, ओके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस के लिए। तो टेन थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर इसको कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाता है देखें, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का, ओके ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन ओके। देन एडिंग बोला उसने, ऐसे ही टेन स्क्वायर हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग बोला है, टेन स्क्वायर हो जाएगा तो सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, हो गया। देन सब्ट्रैक्टिंग दिस टू, सब्ट्रैक्टिंग दिस तो आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, और यहाँ क्या आ जाएगा बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर माइनस, इस वाले पोर्शन को इरेज करते हैं, है ना, ये वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेगा क्या मिलेगा सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो ये वन हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास वन, तो ये हो गया वन, और यहाँ पर एलसीएम ले लें तो एलसीएम में आ जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बी आर माइनस सी क्यू होल स्क्वायर माइनस सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर, राइट, ये यहाँ से यहाँ इंटू हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा देखो इक्वेशन सीक्वेंस कर देते हैं जैसा प्रूफ करना है, ओके ये हमारा प्रूफ हो गया, हमारे पास क्या आ रहा है ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन बी आर, दिस वन बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर, और आ गया आपका माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर, हेंस हेंस प्रूव्ड, राइट बच्चों, ओके। तो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम सो दैट, और कब तक प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि मैथ के मास्टर ना बन जाए, ओके सी यू गाइस, बाय।